नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप किस तरह से जान सकते हैं कि आपको कितने रुपए का होम लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो इसको जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में। देखिए, हमने अपना गूगल खोल लिया है। गूगल के दोस्तों आपको टाइप करना है होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। देखिए, जो होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का जैसे ही आप टाइप करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक आ जाएगा दोस्तों होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का, यहाँ पे आपको जाना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। ये SDFC बैंक के द्वारा है दोस्तों। यहाँ पे कभी कभी कुछ स्पॉन्सर्ड लिंक्स भी आ जाते हैं, तो उसको आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं, ये वाला पेज खुल के ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसने एक एग्जाम्पल लिया है 25,000 का सैलरी का, और होम लोन लिया है दोस्तों 30 साल के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना सैलरी डाल देना है। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, तो हम यहाँ पे 30,000 रुपये डाल देंगे। और दोस्तों, जो होम लोन का मैक्सिमम टेन्योर है वो 30 साल का होता है। तो दोस्तों, हमें जब भी होम लोन लेंगे, हमें 20 साल के ऊपर लोन नहीं लेना है। तो दोस्तों, हम इसका 20 साल के पकड़ के चलते हैं। जैसे कि आपकी सैलरी है 30,000 रुपये, होम लोन लेंगे आप 20 साल के लिए, 8.5% के हिसाब से ब्याज दर। और जिस टाइम आप होम लोन लेंगे, उस टाइम पे आपका कोई भी दूसरा लोन का EMI आप चुकता नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कार लोन वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से दोस्तों, 30,000 की सैलरी में 20 साल के लिए 8.5% से अगर आप लोन लेते हैं, तो आपको आराम से 15 से 16 लाख रुपए तक का लोन आराम से मिल जाएगा दोस्तों, जिसकी EMI आएगी लगभग 13,500 रुपए। तो इसी चीज को अगर दोस्तों आप 15 लाख के आसपास अगर लोन लेते हैं, तो इसी चीज को अगर हम अपने एक्सेल पे देखें दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको लोन का अमाउंट डाल देना है दोस्तों। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया लोन का अमाउंट 15 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे 8.5% हम मान के चलते हैं दोस्तों, 8.5%। टेन्योर आप पकड़ के चलते हैं 20 साल। तो दोस्तों, उस हिसाब से आप देख सकते हैं आपकी जो 15 लाख का 8.5% के हिसाब से आपकी जो EMI आ रही है दोस्तों, वो 13,017 रुपीज़, यानी कि 13,000 का EMI आ रहा है। तो दोस्तों, आपकी 30,000 की सैलरी में आप 13,000 का EMI आराम से दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जानने वाली ये बात है दोस्तों कि आप लोन ले रहे हैं दोस्तों 15 लाख का, और इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों 16 लाख का, यानी कि लगभग 2 गुना टोटल इंटरेस्ट आप 31 लाख दे रहे हैं, यानी कि 15 लाख के लोन के ऊपर 16 लाख का ब्याज। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप टेन्योर को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जैसे कि दोस्तों आप 20 साल के जगह पे इसको मान लीजिए 15 साल कर देते हैं, तो 15 साल में दोस्तों आपकी जो बढ़ रही है, आपकी जो EMI बढ़ रही है दोस्तों, वो सिर्फ लगभग 16 से 1700 के आसपास बढ़ रही है, यानी कि 14,771 बढ़ हो रहा है। पर आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो इंटरेस्ट है वो घट के हो जा रहा है दोस्तों 11,40,000 रुपये, यानी कि लगभग आपका जो इंटरेस्ट है दोस्तों, वहाँ पे आपने 3.5 लाख रुपये सेव कर लिया दोस्तों। तो आप टेन्योर जितना कम रखेंगे दोस्तों, आपको उतना कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले लोन लेंगे दोस्तों, आपका जितना भी सैलरी है उस हिसाब से आप लोन का कितना अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं वो चेक करेंगे। और दोस्तों, जितना कम टेन्योर में, यानी कि जितना जल्दी आप लोन को चुकता कर सकते हैं, उतना कम आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो से अभी आप चेक कर पाएंगे कि किस तरह से आपको अपना होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करना है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।